हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि बाइनांस पर हम स्टेक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्टेक मतलब हमारे जो पास ऑलरेडी करेंसी हमने ली हुए है, बहुत हाई प्राइस में ली हुए है, और उसको अगर हम बेच नहीं सकते तो ऐसे ही पड़े रहने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे बेटर है हमको उसको स्टेक पर लगाए। स्टेक पर मतलब क्या कि जैसे हम हमारे जो पैसे हैं हमारे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं कुछ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 8 साल के लिए, तो उसी तरह यहाँ पर भी फाइनेंस के अंदर भी कुछ उसमें साल होता है बैंक में, इसमें महीने होते हैं। तो हम यहाँ पे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। हमारे जो भी क्रिप्टो है उसको वहाँ पे लॉक कर सकते हैं। तो लॉकिंग पीरियड के दरमियान हम उसको क्या रिडीम करना हो तो रिडीम कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो हमको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा वो वापस चला जाएगा बीच में, अगर हम कभी रिडीम करते हैं तो। बाकी जो 3 महीने या 4 महीने हमारा जो भी पीरियड है तो वो उसके वहाँ तक हमने उसको स्टेक कर दिया तो हमको उतना रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो आपके बाइनांस के अंदर या कहीं और कॉइन पड़े हुए तो वहाँ पे आप ऐसे ही रखने से कोई फ़ायदा नहीं। आप बाइनांस में लेके आओ, बाइनांस में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है स्टेकिंग पे, यानी फिक्स डिपॉजिट पे बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। कैसे स्टेक करते हैं चलो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है स्पॉट वॉलेट के अंदर। स्पॉट वॉलेट के अंदर आपको जो भी आपको स्टेक करना हो, तो आपके पास जो भी कॉइन पड़ा है तो उसके बारे में आपको अगर स्टेक करना है तो उसके बारे में डायरेक्ट जान सकते हो। जैसे BUSD पर मैंने क्लिक किया, ठीक है ना, यहाँ पे बाइनांस अर्न आया। बाइनांस अर्न पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल सेविंग पे हमको 10% मिलता है। लिक्विडिटी फार्मिंग है उसके बारे में अलग से बात करेंगे, ड्यूअल इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में अलग से बात करेंगे। हमको यहाँ पे फ्लेक्सिबल या तो फिक्स के अंदर जाना है, या तो फ्लेक्सिबल में हम कर सकते हैं फिक्स के अंदर। फ्लेक्सिबल के अंदर हम कभी भी, फ्लेक्सिबल और फिक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, फ्लेक्सिबल मतलब हम कभी भी जैसे हमने अभी स्टेक किया और कल उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको हमारा जो हमको रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न वापस नहीं होगा। लेकिन जो फिक्स के अंदर हम अगर हम स्टेक करते हैं तो वहाँ से हमने पैसा उसको निकाल, हमारे क्रिप्टो को वहाँ से हमने निकाल दिया तो हमको जो इंटरेस्ट है वापस देना पड़ेगा बाइनांस को। लेकिन फ्लेक्सिबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लेक्सिबल में आपने 1-2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कभी भी रख सकते हो। तो BUSD में अच्छा खासा 10% आपको फ्लेक्सिबल रिवर्ड्स मिलता है, ठीक है। जैसे मैं बता दूँ कि सीबा इनू के अंदर हम ले चलते आपको बाइनांस अन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे लॉक स्टेकिंग के अंदर कितना 12% मिलता है। लॉक स्टेकिंग मतलब हमको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का जो भी पीरियड है आपको कर सकते हो, आगे दिखाता हूँ। फ्लेक्सिबल में 0.5% ही मिलता है इसे बाइन ऊपर। लॉक स्टेकिंग में आपको बताऊँ, देखो 10 दिन के लिए ड्यूरेशन है लॉक स्टेकिंग के लिए। अगर 10 दिन के लिए रखते हो तो मिनिमम 200 है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 70 लाख से आप रख सकते हो। 30 डेज के लिए भी सेम होगा, 30 डेज के लिए बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका रिटर्न कम होगा, या फिर रिटर्न नीचे दिखेगा। 30 डेज के लिए 0.52% रिटर्न मिलेगा। 60 डेज के लिए आपको रिटर्न मिलेगा 12% आपको रिटर्न मिलेगा 60 डेज के लिए रखते हो तो। 90 डेज के लिए आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 1.52% रिटर्न मिलेगा। और 120 डेज के लिए आपको रिटर्न मिलेगा 12%, ठीक है। अगर आपके पास सीबा इनू है और आपकी आपने रखा हुआ है उसको 2025 तक या 2030 तक, तो आप 120 दिन के लिए मतलब 4 महीने के लिए आप उसको स्टेक पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, जितने भी अमाउंट है मैक्सिमम 110 है तो मैक्सिमम यहाँ कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा दिया, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मैक्सिमम कर सकते हो, मिनिमम में आपको कितना अमाउंट रखना होगा, द अमाउंट कैन नॉट बी लोअर देन 10 लाख। 10 लाख सीबा मिनिमम आप स्टेक कर सकते हो, उससे नीचे आप स्टेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप यहाँ से लॉक स्टेकिंग भी कर सकते हो और यहाँ पे ऑटो स्टेक पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, जैसे आपका 120 दिन खत्म हुआ तो दूसरे दिन फिर से खुद ब खुद 120 दिन के लिए ऑटो स्टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। आपको बार बार करने की जरूरत नहीं अगर आपका जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने होल्ड करके रखा हुआ है इसी बहनों को, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हो। अब मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे मैं कितना कर रहा हूँ और मेरे पास कितने पड़े हुए। तो अन सेक्शन में जाएंगे तो BUSD मेरे पास 205 मिल रहा है मेरे को, रोज़ के 0.05% के हिसाब 0.05 BUSD मिल रहा है। वो फ्लेक्सिबल में रखा हूँ 10%, ठीक है। और ऑटो सब्सक्राइब मतलब क्या, जैसे रिटर्न आया 0.05 तो दूसरे दिन खुद से खुद इसके अंदर फ्लेक्सिबल के अंदर चला जाएगा मेरा BUSD और उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। उसको बोलते हैं हम गुजराती में चक्रवर्ती ब्याज, और कंपाउंड इंग्लिश में बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, और गुजराती में बोले तो चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी बढ़ता रहेगा। फिर मेरे पास सीबा इनू पड़े हुए हैं, सीबा इनू फ्लेक्सिबल सेविंग में क्यों जा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे उसको 70 लाख है अभी मेरे पास, उसको 120 दिन के लगा हुआ है। तो जो भी मिलता है इंटरेस्ट रोज का मेरे को इंटरेस्ट मिलता है 2.318, तो वो क्या होता है फ्लेक्सिबल में जाता है और फ्लेक्सिबल में जमा होता है। तो जैसे 10 लाख सीबा इनू जमा हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, फिर उसको लॉक स्टेकिंग में लगा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह हम उसमें अगर हमारे पास सीबा इनू या कोई और भी कॉइन पड़ा
चला है और हमारा जो लॉन्ग टर्म का पीरियड है हम उसको होल्ड करना चाहते हैं 2025 या 2030 तक, तो हम उस इस तरह हम रोजाना सीबाइनू कमा सकते हैं। मैंने 70 लाख पर रोजाना मेरे को 2318 मिलता है और उसके जो भी मैंने इंटरेस्ट कमाया वो ये इतने हैं 38 लाख अराउंड मैंने इंटरेस्ट कमा हुआ है, तो उसमें भी रोजाना मेरे को 1078 मिलते हैं, मतलब 3000 रोज का सीबाइनू मेरे को फ्री मिलता है यहाँ से। ठीक है, 3000 सीबाइनू का भी प्राइस देखना जाओ तो 3 रुपये होती है। ठीक है, तो अब रोज़ का मेरे को 3 रुपये के हिसाब से सीबाइनू बढ़ता जा रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ेगा और यहाँ पे फ्लेक्सिबल में जमा होगा। जैसे यहाँ पे ये 10 दिन के पीरियड के अंदर रखा हुआ है मैंने, जो 38 लाख से और 10 दिन के पीरियड में रखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 5 दिन हो गए, 10 दिन लॉक इन पीरियड 10 दिन है, तो 10 दिन के बाद जैसे ही फ्लेक्सिबल में आएगा तो मैं फिर से उसको 10 दिन के लिए लगा दूंगा। ठीक है, और 120 डेज के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 70 लाख सेवा लगा सकते हो। इस तरह आप लिक्विडिटी फार्मिंग भी कर सकते हो, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। मेरे पास एमबॉक्स पड़े हैं, आधा कॉइन पड़े हैं, ठीक है, कार्डानो एमबॉक्स पड़ा हुआ है, सिबाइनो यूएसडीटी, तो ये सब मेरे पास पड़ा हुआ है। तो आप उसको ऐसे स्पॉट वॉलेट में रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मेरे सारे कॉइन क्या हुआ है उसमें इंटरेस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप इस तरह इंटरेस्ट कमा सकते हो आपके क्रिप्टो कॉइन पर अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो। ठीक है गाइस, आप इस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कैसे पार्टिसिपेट करना है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, या तो नीचे टेलीग्राम का भी मैंने लिंक दे दिया है तो वहाँ पे भी आपको मेरे को कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस।